वेलकम दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। बड़ी अपडेट के साथ एक बार फिर हाज़िर है। यहाँ पे एक पोस्ट देख रहे हैं और ये न्यूज़पेपर में लगा हुआ है कि इंटरनेट मीडिया पर टॉप ट्रेंड हुई सेना भर्ती की मुहिम। तो आज इसमें जानकारी दूंगा कि आप लोगों ने ट्वीट किए हैं तो जो आर्मी है, चाहे वो सरकार है, इस पर कितना असर होगा इस ट्वीट का। तो इसके बारे में जानकारी दूंगा कि आपका जो अभी एग्ज़ाम है, नेक्स्ट प्लान क्या है। आपने जो थंबनेल तो देख ही लिया है, आपने जो हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है कि अब सेना का अगला प्लान क्या हो सकता है, चाहे सरकार का हो। इतना तो ये तय है कि सेना अब कुछ नहीं कर रही, क्योंकि सेना के अंडर लग रहा है हाथ बंधे हुए। जो कर रही है वो सरकार कर रही है, और जो भी हो रहा है वो सरकार के अंडर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ कि 2.4 मिलियन जो ट्रेंडिंग हुआ था, जो हमने हमारे बच्चों ने, जो देश के अभी आने वाले युवा हैं, उन्होंने ये ट्रेंडिंग करवाया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार ने ये सुनी नहीं है बात। अब बात कर लेते थोड़ा रेल के बारे में। रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ था, सबको पता है कि उसमें कितनी वैकेंसी है और कितनी पोस्ट अभी खाली है, जिसको लेके ट्रेंडिंग करवाया था 9 मिलियन बच्चों ने, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि कुछ रेलवे हिंसा भी हुई है, जिसको लेकर सरकार भी काफ़ी चिंतित दिखाई दे रही है। लेकिन अब बात ऐसी है कि जब पहले उन्होंने ये ट्रेंडिंग करवाई थी रेलवे में भी, तो तब सरकार ने नहीं सुनी। उसके बाद जब रोड जाम हुए, यहाँ पे हिंसा हुई, तो फिर सरकार थोड़ी की जाग की जो उसकी जाग है वो खुल पाई थी। तो अब क्या यहाँ पे देख सकते हो कि बच्चों ने, यहाँ पे मीडिया भी नहीं देख रहा कि 2.4 मिलियन के साथ ट्रेंडिंग रहा है, लेकिन किसी भी न्यूज़पेपर, किसी भी मीडिया ने ये बात नहीं बताई। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई हिंसा हो जाए फिर ही ये मीडिया आगे आती है, फिर ही ये मीडिया बताती है। उसके बाद कई यूट्यूब से, यहाँ पे बता दूँ आपको कि कुछ FIR भी हुई है किसी यूट्यूब पे, जितने भी जिन्होंने उसके जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में बात की, उन पे FIR भी की गई। खास करके खान सर पे भी FRI की गई, जो इतने बढ़िया और इतने अच्छे से समझाते हैं, जो नॉलेज देते हैं। पर एक बात तो तय है कि इस देश में नॉलेज की वैल्यू नहीं, इस देश में चमचागिरी की वैल्यू है, ठीक है। ये बात तो तय है, जो समझाता है उसे कुछ नहीं मिलता, उसे बस यहाँ पे FIR मिलती है और कुछ नहीं है। 295 जो धारा है वो मिलती है। अब अगला सरकार का प्लान क्या है, इसमें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो एक हमने कल भी लेटर दिखाया था, कि एक बात तो तय है कि जो एग्ज़ाम होना है वो कैंसिल नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि क्या हमारा एग्ज़ाम अब कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, आपका जो एग्ज़ाम है होगा। हो सकता है अभी जो प्लान होगा सरकार का, अभी जल्दी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी देश में यहाँ पे मतलब विरोध चल रहा है, चाहे वो सरकार का हो चाहे सरकार के खिलाफ हो, बहुत सारा विरोध चल रहा है। तो इसका मतलब कि हो सकता है जो आपका एग्ज़ाम है वो फरवरी मार्च के महीने से तब करवाने की जो तैयारी है, हो सकता है चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रेंडिंग का आपको बता दूं कि ट्रेंडिंग आप करते रहिए, आपके पास जितना भी समय है आप ज़रूर ये ट्रेंडिंग कीजिए। आप हैशटैग कीजिए, चाहे आर्मी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आर्मी एस को लेकर हो, चाहे आर्मी भर्ती को लेकर हो, आप कृपया ट्रेंडिंग करते रहें। आप जो अपने हैशटैग है वो करते रहें, वो दिखाते रहें सरकार को, क्योंकि सरकार, आप ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कर दिया तो अब वो मान जाएंगे, आपको कम से कम 10 बार 20 बार करना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं, आप हमारा भी साथ दीजिए। अगर हम पर कोई आँच आती है तो आप ज़रूर हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।